नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हाउस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। घर निर्माण में वास्तु के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो घर निर्माण में वास्तु की इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं जो। तो जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, घर का निर्माण करते समय सबसे जो जरूरी चीज ध्यान में रखने वाली बात है, घर का निर्माण गोमुखी करना चाहिए। गोमुखी का मतलब होता है पीछे का हिस्सा आगे की हिस्से की अपेक्षा बड़ा हो, आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा हो। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो प्लॉट की साइज है या आपकी प्रॉपर्टी की साइज इक्वल है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, स्क्वेयर शेप में है, आयताकार या वर्गाकार शेप में, तो आप अंदर की तरफ जो बाहर मुख्य जो मेन गेट है उसकी तरफ अंदर की तरफ प्लास्टर की मोटाई बढ़ाकर आप इसको ये कर सकते हो। दोस्तों इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, घर बनाए तभी घर का निर्माण गोमुखी ही करें। गोमुखी का मतलब होता है आगे से कम और पीछे से ज्यादा, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मेन गेट बाकी दरवाजों से बड़ा रखें। मुख्य द्वार और जो आपके गेट है उनसे बड़े रखें। प्लस आपके कोई भी घर के दरवाजे मेन गेट, इनमें आवाज नहीं आनी चाहिए, वह गेट अटकना नहीं चाहिए। इसे वास्तु के हिसाब से बिल्कुल अशुभ माना गया है। दोस्तों घर बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपका कोई गेट मेन डोर आवाज करता है तो उसे तुरंत रिपेयर करवा लें या ठीक करवा लें। गेट कहीं पे अटकता है तो इसे भी ठीक करा लें। वास्तु के अकॉर्डिंग इसे आपकी तरक्की के अटकने का प्रतीक माना गया है। वास्तु के हिसाब से जब घर के गृहस्वामी का कमरा, जिसे मास्टर बेडरूम कहते हैं, उसमें कभी भी किसी भगवान की तस्वीर, मूर्ति, फोटो नहीं लगानी चाहिए। इसे बिल्कुल अशुभ माना गया है। दोस्तों पिछले वीडियो में लोगों ने मुझे मेल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पूछी, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पूर्व दिशा में भूमि नीची रखनी चाहिए। अंडरग्राउंड कमरा भी बना सकते हो, आप अंडरग्राउंड का काम कर सकते हो और गार्डन लगा सकते हो। इसके बाद में ईशान कोण, पूर्व उत्तर दिशा, इसकी भूमि भी आप नीची रख सकते हो। और यहां आप तहखाना, अंडरग्राउंड रूम, अंडरग्राउंड कमरा बना सकते हो, वो गार्डन लगा सकते हो। वास्तु के हिसाब से इसको सही माना गया है। उत्तर दिशा को भी आप थोड़ा बाकी स्थानों से नीचा रखें, इससे आपके घर में वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। बाकी इससे पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा को छोड़कर घर के बाकी इससे इन तीनों दिशाओं से ऊपर रखनी चाहिए, इनकी परस बाकी परस से ऊपर हो। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा घर का सबसे ऊपर होना चाहिए। पेराफिट या पेराफिट दीवार बनाते समय आप इस चीज का जरूर ध्यान दें कि बाकी दीवारों से उसकी दीवार इन एक इंच भी मोटाई ज्यादा हो, बाकी दीवारों से उसकी ऊंचाई ज्यादा हो। अगर आपका मकान पुराना बना हुआ है तो वो हिस्सा नीचा है, उस हिस्से में आप बंबू लगा सकते हो, झंडे के लिए कोई स्टिक लगा सकते हो या केस स्टिक लगा सकते हो या आयरन रोड लगाकर बाकी हिस्से से ऊपर लगा के वहां पे झंडा लगा दो, इससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों घर निर्माण में वास्तु का बहुत महत्व है, जब भी घर बनाए वास्तु के अकॉर्डिंग बनाए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा,
जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।